जनसुनो का मंच की फेसबुक लाइव श्रृंखला में मैं ललिता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक शिक्षक के विचार, अभिनव प्रयोग और अनुभव के साथ कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं। इन्होंने भूगोल और शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर के साथ भूगोल विषय में नेट भी किया है और ये बताते हुए मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया है और इस वर्तमान में अजीम प्रेम जी विद्यालय में कार्यरत हैं। तो नमस्ते कुलदीप जी। नमस्ते। तो कोरोना काल में कैसा लग रहा है आपको? जैसा कि पूरी दुनिया ही इस पूरी महामारी से जो पीड़ित है, तो सभी अपने बचाव के लिए जो है अपने घरों में हैं और यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बनता है तब तक हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। तो सामाजिक दूरी न कह करके मैं ये कहूँगा कि शारीरिक दूरी बना करके रहें और जैसी सरकारी गाइडलाइंस होती है उनका पालन करें, जिससे कि हम इस महामारी से बच रहे। तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। इस वक्त मुझे एक पंक्ति याद आ रही है आपकी, ज़्यादा तो उससे शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। अल्बर्ट आइंस्टाइन की पंक्ति है, रचनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान में प्रसन्नता जगाना शिक्षक की ही सर्वोत्तम कला है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आवाज़ सही आ रही है, इको आ रहा है, तो आप गेट खोल दीजिए फिर हम थोड़ी आवाज़ दे। मैं एक बार वहाँ और देखता हूँ। क्या हुआ? तो हम शुरू कर सकते हैं। शुरू कर सकते हैं। और हमारे साथियों से मैं अनुरोध करूंगी और अपेक्षा भी रहेगी कि आपकी जो भी विचार हैं, जिज्ञासा हैं, वो जो हमसे साझा करना चाहते हैं, वो चैट बॉक्स में आप संप्रेषित करते रहें और जब ये बातचीत पूरी हो जाएगी तो हम ज़रूर उनसे सवाल जवाब कुलदीप जी के साथ बना रहेगा हमारा। कुलदीप जी, कुछ ऐसे अनुभव, अभी तो कोरोना काल है तो बच्चों से आप प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होने में इतना समय तो लग ही रहा होगा, पर अभी इस दौरान आप कैसे कक्षा शिक्षण को जारी रख रहे हैं और फिर उसके बाद हम आते हैं कि पहले के आपके अनुभव कैसे रहे? तो ललिता जी, हम सभी इस दौरान कोरोना महामारी के दौरान जो है सभी मिलकर के बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं और वो जो तैयार स्टडी मटेरियल है उन्हें हम बच्चों तक उपलब्ध करा रहे हैं हार्ड कॉपी में, और उस हार्ड कॉपी में जो स्टडी मटेरियल तैयार करके उन्हें दिया गया है उसे हम वापस लेते हैं और उनका बीच बीच में फीडबैक भी लेते हैं। साथ ही साथ जब हम उसको चेक कर लेते हैं और उसके बारे में उनके पेरेंट्स को और उन बच्चों को दोनों को अवगत कराते हैं, और इस तरीके से हमारा इस दौरान भी जो शिक्षक का जो काम है वो लगातार जारी है। तो आप अपने अनुभव की शुरुआत कर कुछ पंक्तियों के साथ या कुछ विचारों के साथ करना चाहें तो ये मौका है आपके पास। तो ललिता जी, फिलहाल तो मुझे जो बात याद आ रही है वो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना आज की इस चर्चा की शुरुआत जो है वो NCF की उन पंक्तियों के साथ की जाए जो इस बात पर जोर देती है कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग जो है वो किस तरीके से करवाई जाए। तो मैं चाहूँगा कि मैं उन्हें एडिटिंग जैसी है डॉक्यूमेंट में उन्हें पढ़ूँ। बिल्कुल। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे दर्शकों को। तो NCF 2005 जो एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कागजात कहा जाता है, डॉक्यूमेंट कहा जाता है, उसके अनुसार बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीज़ें करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने, विमर्श करने, पूछने, सुनने, उस पर सोचने व मनन करने से, तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से। अपने विकास के मार्ग में उन्हें इन सभी तरह के अवसर मिलने चाहिए। बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं लेकिन संभव है कि वे न तो उन्हें समझ पाएँ और न ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाएँ। तो NCF, जैसा कि मैंने आपके समक्ष ये बात रखी, ये डॉक्यूमेंट भी ये बात कहता है कि अगर स्थायी शिक्षण, स्थायी जो अधिगम है
अगर बच्चों में हम चाहते हैं तो उन्हें उनके सराउंडिंग से जोड़ करके हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो चिरस्थायी बनी रहे। ऐसी नहीं, अगर हम बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं और हम उसे कुछ बताते हैं तो वो ज़्यादा दिनों तक उसके मन मस्तिष्क पर जो है वो टिक नहीं पाती। तो कुलदीप जी, ये तो बात रही कुछ इंगित पॉइंट्स की जो NCERT 2005 में लिखे हुए हैं, पर इसको हम वास्तविक कक्षा शिक्षण से जोड़ें और आपके कुछ ऐसे अनुभव जो इसको हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिखा पाएँ कि ऐसे कुछ अनुभव है जो इस NCERT को कारगर सिद्ध करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लिखा कुछ और होता है और हम उसको अप्लाई कर पाते नहीं कर पाते, तो ऐसे कुछ अच्छे अनुभव हमारे साथ साझा कर पाएँ तो हम सबको मदद मिल पाएगी। तो आज की जो चर्चा है वो इसी पर केंद्रित है कि कक्षा कक्ष में जो हमारे द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग हैं जो इस तरीके की शिक्षण व्यवस्था को जो है प्रमोट करते हैं, मैं आपके समक्ष उन्हीं को साझा करूंगा। और इसी क्रम में मैं आपके समक्ष अपनी उस बात को भी रखना चाहूंगा कि एक शिक्षक के लिए दस्तावेजीकरण अपने कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का जो है किस तरीके से अहम है। तो ये मूल रूप से अगर हम देखें तो हर एक शिक्षक के लिए ये विशेष अहम योगदान रखता है, महत्व रखता है। तो उन्हें अपनी कक्षा की जो गतिविधियां हैं उन्हें हार्ड में अपने साथ में जो है उन्हें लिखित रूप से उनका दस्तावेजीकरण अवश्य होना चाहिए। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो मैं अपने लेखन की शुरुआत जिन्हें कक्षा कक्ष में मेरे अनुभवों के बारे में कहें तो मैं शुरू से ही थोड़ा लेखन के प्रति थोड़ा आलसी किस्म कर रहा हूँ। तो मैंने जो लेखन की शुरुआत की उसमें सबसे पहले जब हम 2012 में अजीम प्रेमजी स्कूल में अपॉइंट हुए और जब हम यहाँ टोंक आए और हमने अपनी जो एक नई यात्रा थी उसकी शुरुआत की, उसी दौरान जब हम कक्षा कक्ष में जाते थे तो हमें बहुत सारी हम जो तैयारियां करते थे कि वो कक्षा कक्ष में जाने से पहले किस तरीके से, जैसे युद्ध में जाने से पहले एक योद्धा पूरी तैयारी करता है, ठीक हम उसी तरीके से पूरी तैयारी करते थे कक्षा कक्ष में। मुझे याद है कि हम TLM को तैयार करते थे, पहले माइंड में लाना कि TLM किस तरीके का होगा, अनुमान लगा करके उन TLM को तैयार करना, फिर कक्षा में जाना और फिर वापस आ करके रिफ्लेक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम उसको रिकॉल करते थे कि किस तरीके की समस्याएं आज के उसमें आई, तो फिर हम अगले दिन उनको फिर सुधारने की कोशिश। आप चीज बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, तो उस रिफ्लेक्शन ने कितना मदद किया आपको डॉक्यूमेंटेशन में, उस तरफ भी एक बार आप इशारा करेंगे। रिफ्लेक्शन में इस तरीके से मदद किया कि जैसे मान लीजिए मैं कक्षा से बाहर आया और मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ें, कई बार ऐसा होता था कक्षा से बाहर आने के बाद भी वो चीज़ें याद नहीं रह पाती थी और वो फिर बात आए अगर 2-5 दिन बाद अगर हम उन चीज़ों को लिखने की सोचते हैं तो फिर तो वो नामुमकिन है, फिर वो पूरी कल्पनाएँ रह जाती हैं। तो कक्षा से बाहर आने के बाद ही डेली के काम को अगर आप डॉक्यूमेंट करते चले जाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होती है और वो बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए तो है ही, साथ ही साथ बच्चों के लिए सीखने के लिए जो एक नया आयाम जो है वो उपलब्ध कराती है। तो ऐसे ही आपने अपने रिफ्लेक्शन के दौरान कुछ पाया हो, कुछ अनुभव ऐसे रहे होंगे आपके कक्षा शिक्षण के दौरान जिन्हें आप हमसे साझा कर पाए, मुझे भी पता है क्योंकि मैं आपके साथ ही कार्यरत हूँ तो ये जानती हूँ, मैंने आपको बहुत अच्छे से जुझारू रूप से काम को करते हुए देखा है। और इससे जुड़ा हुआ वो वाक्य आप मानचित्र वाला अगर हमारे साथ शायद शेयर करें तो अच्छा रहेगा। भूगोल विषय में मेरी शुरू से ही रुचि रही है और उसी के क्रम में जब ये मौका मिला कि मानचित्र को लेकर के काम किया जाए तो 1-2 साल काम करने के बाद में ये निकल करके आ रहा था कि हम करते क्या थे, जैसा हमारे साथ भी होता था कि एक दीवार पर एक मानचित्र टंगा होता था और उस मानचित्र में शिक्षक जो है एक पॉइंटर के सहारे से वो बताते चले जाते थे कि यहाँ ये दिशा है, तो फिर उसका जो रिजल्ट निकल के आता वो ये आता था बच्चे से जब पूछो कि उत्तर दिशा कहाँ होती है तो ऊपर आसमान की तरफ उंगली करता था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसे व्यवहारिकता से जोड़ा जाए और मैं अपनी कक्षा में जाते समय सबसे ज़्यादा इसी बात को ध्यान रखता हूँ कि कैसे मैं उसको उनके बच्चों के लोकल कॉन्टेक्ट से जोड़ पाऊँ। तो इसी क्रम में मानचित्र को लेकर के आओ बच्चों मानचित्र बनाइए, मैंने बच्चों के साथ काम किया और ये काम इस तरीके से था कि बच्चे कक्षा 6 के बच्चे जो मानचित्र के नाम से भी परिचित नहीं थे मानचित्र की विशेषताओं को भी जान जाएं और साथ ही साथ उसके महत्व को भी जानें और अपने डेली लाइफ से भी जोड़ पाएं उसको। तो हमने कक्षा 6 के बच्चों के साथ मानचित्र को लेकर के व्यवस्थित रूप से काम किया और हम एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े जिसमें हमने सबसे पहले कक्षा का मानचित्र,
फिर हमारी स्कूल का मानचित्र, फिर हमने उनके घर का मानचित्र दिया, फिर स्कूल से लेकर के घर तक के रास्ते का एक कच्चा मानचित्र जो है उन्होंने बच्चों को तैयार किया। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चों ने जो है उनकी दिशाओं को समझा और साथ ही साथ दिशाओं के महत्व को समझा, पैमाने के महत्व को समझा और जो प्रमुख संकेत होते हैं उनके महत्व को भी समझा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनको हम बच्चों के लोकल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो थे वो ज़्यादातर मजदूर वर्ग जो उनके पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो उस वर्ग से आते हैं, तो उन्होंने भी उस काम में उनकी बहुत अच्छे से मदद की। और इस काम के अंतिम रूप में ये निकल करके आया कि बच्चों ने अपने पूरे गांव का बहुत ही सराहनीय कार्य रहा उसमें, और सभी शिक्षकों का भी जुड़ाव रहा, और कला शिक्षक की मदद से हमने अपनी विद्यालय में लगभग हमारी कक्षा में 30 से 32 बच्चे रहते हैं, तो पूरे 30 बच्चों ने करीब 15x20 फीट की जगह पर एरिए पर अपने गांव का स्कूल से लेकर के गांव तक का मानचित्र बनाया, 3D मॉडल बनाया, और उसमें गांव के मानचित्र में उन्होंने उसको 3D रूप से प्रदर्शित किया, और उन्होंने उसमें दिशा का ध्यान रखा, संकेतों का ध्यान रखा और कोशिश की कि उस पैमाने को भी वो कुछ हद तक फॉलो कर पाएँ। तो ये काफ़ी अच्छा प्रभावी रूप था जिसमें आप जैसे अगर कोई बाहर का व्यक्ति जो उस बच्चे का घर नहीं जानता है तो वो विद्यालय में आकर के हर एक बच्चे का बिना देखे उस बच्चे का घर बता सकता है कि फलाना बच्चा इस जगह पर रहता है, उसके आसपास ये प्रमुख स्थान है, इस दिशा से जाना पड़ेगा, इतनी दूरी लगभग हमें तय करनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से हमने उनके सराउंडिंग से जोड़ करके, तो मानचित्र को उनके दैनिक जीवन से जोड़ करके। बहुत ही अच्छा प्रयास रहा, पर यहाँ पर एक प्रश्न और पूछना चाहूँगी मैं, शायद ये ऑडियंस की तरफ से भी बाद में एड्रेस करें हम, कि अपर प्राइमरी में जब सामाजिक विज्ञान के तहत भूगोल, राजनीति और इतिहास जुड़ता है तो वो जो जटिलता होती है सामाजिक विज्ञान को लेकर ना, मेरे मन में भी रही थी उस समय, तो उस जटिलता को सरल रूप में किस प्रकार आप अपनी कक्षा शिक्षण में सहज बना पाते हैं बच्चों के लिए, उस लेवल पर किस प्रकार का काम आपने किया? क्योंकि अगर हम एक बात तो रही भूगोल की, और दूसरी बात हम जब इतिहास की करते हैं तो वो जो राजा महाराजे की एक अपनी हिस्ट्री होती है अमूर्त उसमें, तो उसको कैसे आप जीवन करते हैं, कैसे सरल सहज बनाकर बच्चों के सामने ला पाते हैं, ऐसा कोई अनुभव अगर आपके पास हो तो? ललिता जी, प्रारंभ में ही 2013 में सबसे पहले मैंने इस इतिहास को, क्योंकि मेरे अंदर भी जब मैं कक्षा में पढ़ता था तो इतिहास एक हवा जैसा था मेरे लिए, और मैं जो सोचता था दसवीं पढ़ते समय, दसवीं की परीक्षा देते समय हिस्ट्री का जो इतिहास का उसका पेपर दिया सोशल साइंस का, उसके बाद सोच रहा था कि अब सामाजिक विज्ञान से मेरा पीछा छूटेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सामाजिक विज्ञान मेरे जीवन से इस तरीके से जुड़ जाएगी। और आप यहाँ बिल्कुल तो इतिहास विषय में बच्चे इसलिए रुचि नहीं लेते कि क्योंकि उनका उससे जुड़ाव भी नहीं होता। भाई क्यों पढ़ें वो अशोक का इतिहास, क्यों मतलब वो सिकंदर का इतिहास पढ़ें, क्यों वो भारत का इतना पुराना इतिहास पढ़ें, जबकि वो उस चीज़ का महत्व जानते ही नहीं है। तो हमने कक्षा में एक अभिनव प्रयोग करते हुए इसी के क्रम में शुरुआत जो थी इस इतिहास की, तो नोइंग हिस्ट्री को लेकर के इतिहास क्या है इसको लेकर के व्यवस्थित रूप से कार्य किया, जिसमें हमारे शिक्षक साथी ने और सोशल साइंस के दूसरे शिक्षक है असमत जी और हमने मिलकर के और इस तरीके से कार्य किया कि बच्चा सबसे पहले अपनी हिस्ट्री को जाने, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत विचित्र बात थी ये कि क्या उनका इतिहास भी होता है। उनको ये लगता था कि अकबर का, महाराणा प्रताप का या अशोक का, इन लोगों का इतिहास होता है, हमारे जैसे साधारण मनुष्य का इतिहास होता ही नहीं है। जब उन्हें उनके साथ काम किया गया तो उन्हें इस चीज़ का महत्व मालूम हुआ कि इतिहास तो हर एक चीज़ का होता है, हर एक विषय का होता है, चाहे वो किसी भी कोई सब विषय हो। तो बच्चों के साथ जब हमने काम किया तो बच्चों के साथ सबसे पहले उनके बच्चों के खुद के इतिहास से लेकर के काम किया कि उनका इतिहास कैसा रहा है, फिर हम इसके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए कि बच्चे के परिवार का इतिहास, बच्चे के इतिहास, बच्चे का परिवार का इतिहास, बच्चे के गांव का इतिहास, और बच्चे के गांव के इतिहास के बाद में हमने उसके आसपास के क्षेत्र जो है, जो बड़ा क्षेत्र है चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र के इतिहास को जानने की कोशिश की, और उसके बाद में जा करके हम उस भारत या देश के इतिहास पे या किसी प्रमुख व्यक्ति के इतिहास पर जो है उसको लेकर के गए। तो
ये इस तरीके के काम से हमारा जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि बच्चे उन चीज़ों को अपने आप से जोड़ करके सीखें, और जो इसका रिजल्ट निकल करके आया तो असेसमेंट में हमने पाया कि बच्चे उस चीज़ को बहुत आसानी से सीख चुके थे, खेल खेल में सीख चुके थे, उन्होंने अपने गांव का इतिहास को लेकर के ऐसी ऐसी बातें बताई जिन्हें क्योंकि उन्होंने अपने घर पे बुज़ुर्गों का, गाँव के सबसे बुज़ुर्ग व्यक्तियों का, गाँव के जो प्रमुख स्मारक हैं उनका जाकर के भ्रमण किया और वहाँ से संबंधित जो है डाटा जुटाए। तो किस तरीके से रोचक आप किसी विषय को बना पाते हैं ये एक शिक्षक पर डिपेंड करता है, और बच्चे जो हैं वो कोई भी कार्य अगर उन्हें व्यवस्थित रूप से दिया जाए तो उसमें वो निश्चित रूप से रुचि लेते हैं। बिल्कुल कुलदीप जी, ये अनुभव ना सिर्फ आपके लिए बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहा होगा, कितना अनुभव उनको आत्मीयता लगी होगी कि ये मेरा भी ध्यान। हाँ, बिल्कुल वो फीलिंग कैसी रही होगी, मैं उसको फील कर पा रही हूँ। ये बात रही आपकी भूगोल की, इतिहास की, अभी एक और विषय बसता है, एक और पार्ट है इसका पॉलिटिकल। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम देखें वो जो पूरा प्रारूप किताबों में दर्ज होता है तो उसको एक समझना अपने आप में बड़ा पेचीदगी होती है उसको समझने में, तो उससे भी थोड़ा सरल कर दीजिए हम सबके सामने किस प्रकार आप कक्षा शिक्षण में उस पेचीदगी को बहुत सरल रूप में लेके जाते हैं। देखिए होता क्या है कि बच्चे में रुचि जो डेवलप होती है ना, आप शुरुआत में ही उसको इतना अतोत्साहित कर देते हैं और इतने मतलब बुरे मन से आप सोशल साइंस को पढ़ाते हैं कि बच्चे उसमें फिर कभी जीवन भर रुचि ले ही नहीं पाते। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास हर एक चीज़ का उदाहरण है और मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि हमारी सोशल साइंस को भी उतना ही रोचक बनाया जा सकता है जितना लोग मैथमेटिक्स में, जैसे कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स में अगर पढ़ने लग जाओ, काम करने लग जाओ तो नींद तक उड़ जाती है, साइंस रोचक हो जाता है। तो हर एक चीज़ को प्रयोगात्मक रूप से सोशल साइंस को हम क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपने जैसा आपने पूछा कि भूगोल और इतिहास के बाद में ऐसा कोई एक उदाहरण, तो मुझे अभी फिलहाल जो याद आ रहा है वो आ रहा है अपनी संसद को लेकर के जो एक उदाहरण है। हमने जो सरकार होता है, सरकार विषय को लेकर के कैसे बच्चों की समझ को जो है उनके लोकल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ा जाए और उपलब्ध संसाधनों के को जोड़ करके उनको उसके प्रति कैसे सहज बनाया जाए। तो बच्चे अपने ग्रामीण परिवेश में सरपंच और इनके चुनाव से जरूर जुड़े हुए थे लेकिन वो एक सतही उनके पास अपना एक अनुभव होता है। तो हमने स्कूल में अपर प्राइमरी के बच्चों के साथ, कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के साथ में एक तो जैसे लोकतंत्र की बात आती है कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, तो इसी तरीके से इसी थीम पर काम करते हुए बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बच्चों का शासन, इस चीज़ को लेकर के हमने बच्चों की एक बाल सभा, जिसे बाल संसद या हमने जो नाम दिया था वो बच्चों की ही रुचि बातचीत के बाद में अपनी संसद नाम दिया। अब वो अपनी संसद पूरे तरीके से लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थी और उस लोकतांत्रिक प्रणाली में बच्चों ने अपने लिए अपनी सरकार स्वयं चुनी, क्योंकि हमारे स्कूल में मॉनिटर वाला सिस्टम तो है नहीं। तो हमने अपनी कक्षा में इस तरीके से उनको मौके दिए और उन्होंने अपना जो है अपना प्रतिनिधि स्वयं चुना। तो कक्षा में एक प्रतिनिधि और एक उपप्रतिनिधि, उसके लिए पहले नॉमिनेशंस हुए, नॉमिनेशंस के बाद में उन्होंने अपने अपने जैसे चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, वादे होते हैं, उन बच्चों ने सभी के सामने अपने अपने घोषणा पत्र रखे, वो हाँ तो वो भी एक उनके लिए नया अनुभव था। और उन्हें कई उन्होंने बड़ा चढ़ा करके, जैसे हमारे नेता करते थे, उन्होंने बड़ा चढ़ा के भी अपने जो है जो घोषणा पत्र है उसमें उल्लेख किया उनका। उसके बाद में हमने उस पूरी प्रक्रिया के बाद में नाम वापसी का भी रखा और दो बच्चों ने अपना नाम वापसी भी की, और इस पूरी प्रक्रिया के बाद में उन बच्चों ने अपने लिए वोटिंग की, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोटिंग की। पूरी प्रक्रिया वैसे ही पूरा स्कूल के सभी शिक्षक भी इन्वॉल्व हुए उसमें और उनके मतदाता पहचान पत्र बने, उनकी अटेंडेंस को उसका आधार बनाया गया कि ये कौन कौन व्यक्ति है जो वोट दे सकता है। तो इन बातों को लेकर के हमने जब काम किया और उन्होंने अपनी जब सरकार चुनी तो उसमें ये चीज़ उनके लिए क्लियर थी कि चुनाव किस तरीके से होते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली में और उसके पीछे पीछे कौन कौन सी अन्य चीज़ें जो हैं वो उससे जुड़ी हुई होती। तो बच्चों ने इस चीज़ को करके देखा, ये अनुभव था। उसके बाद ये निकल करके आया कि बच्चों ने अपनी बात जो है उस बाल संसद या अपनी संसद के माध्यम से एक बड़े समूह के समक्ष रखना शुरू कर दिया। तो ये तो बात रही कुलदीप जी एक कठिन की चुनाव प्रक्रिया को समझाने की, पर वो जो जिम्मेदारी का निर्वहन वाला पार्ट है उसको किस प्रकार आपने बच्चों के समक्ष रखा कि वो जागरूक नागरिक बन सकें, जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें, उस
कुछ अनुभव आप साझा कर पाए थे? तो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि प्रतिनिधि और उपप्रतिनिधि के चुनाव के बाद में उन्होंने अपनी पूरी की पूरी अपनी एक सरकार जो है वो बनाई, और उनकी वो हर महीने एक बड़ी बैठक होती थी जिसमें वो अपने लिए कोई बड़ी बैठक के आयोजन आगे कोई आयोजन करने की एक पूरी पूरी रूपरेखा जो थी वो और लोगों के समक्ष रखते थे। और इसी क्रम में हमने करीब 2 या 3 महीने के क्रम में एक बड़ा आयोजन करने की ठानी, और उसमें हम सभी ने उनकी मदद की, और वो उसकी पूरी की पूरी जो रूपरेखा तैयार करते थे वो बच्चे करते थे, हम एक मददगार के रूप में उनके साथ रहते थे, साथ ही साथ उसका मंच संचालन हो, चाहे वो आप उस दिन की पूरी पूरी व्यवस्था करनी हो वो पूरी व्यवस्था जो बच्चों ने अपने हाथ में ली, और इसका प्रभाव बच्चों के साथ आगे हमें देखने को मिला। तो उनको जागरूक करने के लिए आपने किसी रिसोर्स पर्सन या बाहरी नागरिक किसी की मदद ली, या आप इसको ही प्रक्रिया के दौरान जो कर पा रहे थे वही कर रहे थे, या अन्य रिसोर्स भी आपने मुहैया करवाए बच्चों को? तो देखिए लर्निंग के इस पूरे प्रोसेस में जितनी जिम्मेदारी शिक्षक की बनती है उतनी ही एक अभिभावक की भी बनती है, और चूंकि शिक्षण प्रक्रिया में हम तीनों ही समान रूप से भागीदार होते हैं, तो हमने उनको भी बराबर से जोड़ते हुए हमने जो है बच्चों के साथ तो काम किया ही, साथ ही साथ हमने कम्युनिटी को भी उसमें इन्वॉल्व किया, और जो आपने संसद जिसकी मैंने अभी हाल ही में चर्चा की बाल संसद की, तो उसमें हमने क्या किया कि बाल अधिकारों को लेकर के चर्चा के लिए हमने टॉप में न्यायिक अधिकारी हैं जज जो हैं, 2 जजेस की टीम आई और उन्होंने बच्चों को जो है बाल अधिकारों के प्रति जो है वो प्रेरित किया। साथ ही एक जो आयोजन था वो था यातायात सुरक्षा को लेकर के था, उस यातायात सुरक्षा में उन्होंने जो है यहाँ के स्थानीय जो परिवहन अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी उन्होंने आकर के बच्चों को उनके यातायात के नियमों के बारे में अवगत कराया, तो ये इस तरीके से। साथ ही एक उस समय की एक आसपास का इनका एक इशू आ रहा था जो सांप्रदायिक सद्भावना को सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला एक इशू था, तो सांप्रदायिकता विषय को लेकर के उन्होंने अपनी एक बैठक का आयोजन किया। तो ऐसे विभिन्न इस मंच के द्वारा हमने विभिन्न ऐसे मौके उन बच्चों के समक्ष रखे जिसमें बच्चे तो जुड़े ही साथ ही साथ कम्युनिटी के लोग भी जुड़े, और हमने इन उदाहरणों के माध्यम से जिनकी मैंने चर्चा की उनमें कम्युनिटी के लोग भी उनके साथ बराबर मात्रा में जुड़े। तो भरपूर मौके दिए गए बच्चों को बातचीत के, उनकी जिज्ञासा जो भी उन पर बातचीत करने के। तो ये अपर प्राइमरी की क्लासेस के बारे में हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसे अनुभव रहे जो छोटे बच्चों के साथ प्राइमरी लेवल पर भी जैसे कि टेस्ट जो होता है तो उसमें किस तरीके के अनुभव आपके रहे किसी टॉपिक को लेकर? क्योंकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के दोनों के अनुभव शायद मुझे लगता है थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि बच्चों की जो जिज्ञासा है जो मन के विचार है वो उत्सुकता सब कुछ अलग थोड़ा सा अलग होता है, तो उसमें से अगर आपको एक विचार एक अनुभव याद कर सकें। तो देखिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में एक बड़ा एज डिफरेंस जो होता है उसके कारण उनके साथ काम करने के तरीके भी शिक्षक के बदलते चले जाते हैं। प्राइमरी क्लास में जाते समय आपको इन चीज़ों पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे की रुचि उसमें महत्वपूर्ण होती है, बच्चे को तैयार करना, मोटिवेट करना, और खेल खेल में आप कैसे सिखा पाते हैं। तो एक पूरे की पूरे वाटर थीम पर काम किया जिसमें व्यवस्थित रूप से हमने इस तरीके से काम किया कि पानी के प्रति हम एक सामान्य चीज़ों को लेकर के, जैसे पानी के गुण होते हैं कि पानी का रंग कैसा है, पानी का स्वाद कैसा है, पानी की गंध कैसी है, और जो वाष्पोत्सर्जन की पूरी प्रक्रिया है उसको, और इस पूरी प्रक्रिया को बढ़ते क्रम में हम और आगे के लिए ये सभी जो चीज़ें हमने सिर्फ कहने मात्र में नहीं रखी, हमारा लगा क्या, हमने एक 3 गिलास में ला करके अगर मान लीजिए हमने एक में नींबू का पानी, एक में नमक का पानी और एक में चीनी का पानी, और वो बच्चों को नहीं दिख रहा है इसमें क्या है, और उसको अगर मान लीजिए उनको चखाते हैं तो उसकी स्वाद की प्रक्रिया को वो समझ पाते हैं, और एक में बिना किसी चीज़ को मिले हुए तो बच्चे इस चीज़ को समझ पाए थे उस चीज़ को कि पानी का कोई स्वाद नहीं होता, उसमें जो चीज़ डाल देंगे उसका स्वाद वैसा हो जाता है। जब गंध की बात आती है तो पानी की गंध किसी को नहीं पता कि पानी की गंध कैसी होती है, एक कक्षा के बच्चे ने बताया, मैं खुद आश्चर्यचकित रहा जब उसने बताया कि पानी की गंध कैसी होती है, तो पानी की गंध पानी जैसी होती है, ये देखिए उत्तर, और फिर इसके बाद में कुछ पूछने लायक बचता भी नहीं है। जब बात आई उसकी कि पानी का रंग कैसा होता है, कुछ ने कहा कि पानी का रंग सफ़ेद होता है, कुछ ने कहा हरा क्योंकि उन्होंने गंदा पानी देखा था, उन्होंने नाली का पानी देखा था कह रहे थे कि काला होता है, जब उनके सामने गिलास में रखा गया तो ये सर इसका कलर नहीं है तो आर पार दिखाई दे रहा था आपके गिलास में, तो इसका मतलब वो उन्होंने जब हम क्लास में कह देते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, एक बच्चे ने कह दिया, हमने उसको उत्तर मान करके वहीं ख़त्म कर दिया,
तो ये इसकी बजाय हम मौकों को अगर कक्षा में एक बार करके देखें छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने मेरे जीवन में पहली बार लेबोरेटरी प्रयोगशाला जो थी वो कक्षा 11 में जा करके देखी थी, लेकिन मैंने अपनी कक्षा के जो प्राइमरी के बच्चे हैं कक्षा 3 के बच्चे हमारे स्कूल में कक्षा 3 के भी जाते हैं, कक्षा 4 के भी जाते हैं, कक्षा 5 के भी जाते हैं, तो हमने उनके लिए लेबोरेटरी बना रखी है और लेबोरेटरी में वो अपने लिए जो है वो छोटे छोटे प्रयोग है, चाहे वो उनके लिए तो वो बहुत बड़ा है, पानी में नींबू डाल करके और उसको ड्रॉपर से एक बूंद को चखना और वो जीभ में किस तरह उसका स्वाद है वो उनके लिए तो प्रयोग, और वो उस समय अपने आप को वैज्ञानिक समझते हैं। ठीक, हमारे साथ भी ऐसा होता था जब हम टूटे से खिलौने को जोड़ देते थे तो हमें लगता था बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेगा साहब, ये इंजीनियर बनेगा, ऐसे बना देते थे। तो ऐसे मौके जो हैं उनको कक्षा कक्ष में उपलब्ध कराए ऐसे होता है। तो ये बहुत ही अच्छे अनुभव आपने हमारे साथ साझा किए। अब पढ़ाव थोड़ा सा मैं इस और ले जाना चाहूँगी, क्योंकि ये अनुभव आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं और लिखना भी आप शुरू कर चुके हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन को दस्तावेजीकरण को आप किस प्रकार महत्वपूर्ण मानते हैं? और अभी मैं ये बताते हुए बड़े अच्छा लग रहा है कि आपने कई सारे सेमिनार्स में प्रेजेंटेशन किए हैं अपने कक्षा शिक्षण के अनुभव को लेकर, और कई सोशल मीडिया पे भी आप प्रेजेंट कर चुके हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है एक शिक्षक होने के नाते या एक ह्यूमन भी होने के नाते दस्तावेजीकरण करना अपने अनुभवों को? क्या महसूस कराते हैं, मतलब इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं आप? ललिता जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक शिक्षक के लिए कक्षा में शिक्षण कराने के साथ साथ उसका दस्तावेजीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक बिजनेसमैन के लिए होता है, वो पूरी पूरी अपनी डाटा शीट बनाता है। और इस दस्तावेजीकरण का जो महत्व है वो उस शिक्षक के लिए नहीं, उन बच्चे के सीखने के लिए भी और साथ ही साथ अन्य लोगों के लिए भी काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकता है। तो एक शिक्षक के रूप में हमें क्या करना चाहिए कि हमें कक्षा की उन प्रक्रियाओं का जरूर दस्तावेजीकरण करना चाहिए जिनसे दूसरे लाभ ले सके, जिनसे हम अपनी कक्ष की जो प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रक्रिया है, उसे सुधार सकें। तो लगातार डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर उसे हम बाद में रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं तो वो 10-20% से ज़्यादा याद नहीं रह पाता जी, तो काल्पनिक चला जाता है। तो हम डेली डॉक्यूमेंट करें और उसके आधार पर अगर हम एक बहुत सही तरीके से व्यवस्थित डॉक्यूमेंट तैयार कर सकें तो वो और लोगों के लिए मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, यही एक बार और ध्यान दिलाना चाहूँगी कि मैंने आपकी कुछ कहानियाँ पढ़ी थी चेकबुक, तो सोशल साइंस से वो कहानी का दौर, मतलब वो किरण कहाँ पर थी, कैसे मिली वो किरण, क्योंकि चकमक में जब पब्लिश हुई वो कहानी आपको भी अच्छा ही लगा, हमें भी अच्छा लगा, हमारे साथी शिक्षक जो सोशल साइंस में काम कर रहे हैं वो अचानक से दिखा के वो कहानियाँ भी छप रही हैं, ये क्या हो गया? तो वो कोई क्या अनुभव था, कैसे आपको प्रेरणा मिली? तो देखिए, लिखने का मतलब काम तो जारी रहा लेकिन वो मेरे विषय से बाहर नहीं जा रहा था। हुआ ये था कि रुचि चूंकि बन चुकी थी इसे लिखने में, तो मेरी बेटी जो जब 4 साल की थी तो मैं जब भी घर जाता वो मेरे पास होती थी तो रात को उसको कहानियाँ सुनाता था, तो कुछ कहानियाँ जो थी वो जो हमने सुनी है उस तरीके की पंचतंत्र कहानी को सुनाता था, तो वो यूँ कहती थी ये कहानी तो मैंने सुन ली मम्मी से या दादी से, सुन ली अम्मी से। तो मुझे लगा कि इसके लिए कहानियाँ फिर बनानी पड़ेगी, और बनानी पड़ेगी तो मैंने कहा क्यों बना दी जाए। तो जब बातचीत करते जाते तो उसको कहानियाँ एक वो कहती थी चिड़िया की, तो चिड़िया से कहानी शुरू कर देती थी, वो शेर की कहती थी शेर की कहानी शुरू कर देता था, और वो कहानी को फिर उसके अनुसार ही घुमाते चले जाते थे, कुछ वो ऐड करती थी कुछ मैं ऐड करता था, वो पूरी एक कहानी बन जाती थी। तो जब एक दिन समय मिला तो मैंने सोचा कि यार मैंने उसको कुछ कहानियाँ सुनाई क्यों ना मैं उनको एक बार लिख लेता हूँ, और हमारे स्कूल में जो बाल पत्रिका बनती है क्यों ना मैं उसमें छापने के लिए दे देता हूँ। तो हुआ ये था, और मैंने उनको प्रिंट टाइप किया, टाइप करके, और जब टाइप करके तैयार की तो मुझे लगने लगा कि यार ये और मंच तक भी जा सकती है। मैंने क्योंकि बच्चों की पत्रिका चकमक हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सराही जाती है और बच्चों के भी काफ़ी सारे उनकी जो काम जो आते रहते हैं, तो मैंने वो चकमक पत्रिका में छपने के लिए वो भेज दी और 3 कहानियाँ भेजी, उनमें से एक कहानी जो आज़ादी है वो लास्ट ईयर जो है वो उसमें छप गई, और उसका महत्व मतलब मुझे जो मोटिवेशन के रूप में मिला मुझे ये था कि वो उसमें छप गई,
मेरे लिए तो यही काफ़ी था। लेकिन अचानक से उनकी एडिटर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि कुलदीप जी, आपने अपनी कविता कहानी देखी होगी, वो छप चुकी है और इसके एवज में हम आपको कुछ जो है मेहनताना देना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए एक तरीके से जैसे होता है ना कि आइस ऑन द केक, मुझे बड़ा मज़ेदार लगा यार, इसके लिए कुछ पैसा। अब फिर मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे कितना मिलेगा, बस मैं इस चीज़ के लिए तैयार था कि मुझे कुछ मिलना चाहिए। मिला और वो प्रोत्साहन राशि जो थी, वो जो भी मिली, मैंने उसको अपने साथ में लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उसने मुझे। तो इस तरीके से ये शुरू हुआ। अच्छा, उसके 6 महीने बाद लगभग, जब ये कहानी छप चुकी थी, उसके 6 महीने बाद मुझे फिर से उन एडिटर महोदया का फ़ोन आया और उन्होंने, जब मैं, मुझे याद है मैं स्कूल से घर की ओर आ रहा था, दोपहर का समय था, उन्होंने कहा कि क्या मैं बात कर सकती हूँ। उन्होंने बताया कि कुलदीप जी, आपकी इस कहानी को सोनी एंटरटेनमेंट चैनल ने अपने लिए चुना है और वो आपको इसका एक अलग से, अगर आप इसके लिए नोटिस देंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, तभी हम उस संस्था को देंगे। मैंने कहा नेकी और पूछ, अगर मान लीजिए आपकी एक कहानी जो एक बाल पत्रिका में छप गई, लेखक के लिए इतना ही काफ़ी होता है, फिर उसके लिए आपको मेहनताना मिल चुका है और फिर दूसरा आपको भी, आपके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि आप सोनी एंटरटेनमेंट चैनल जो है वो उस पर कहानियाँ बनाना चाह रहा है, बच्चों की कहानी बना रहा है, और उसके भी एवज में मुझे फिर उसका कुछ भुगतान मिला और वो और भी ज़्यादा था। तो ये मेरे लिए मतलब मोटिवेट करने वाली बात थी। और इसमें पैसे से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि मेरे लेखन को एक जगह मिली थी, दिशा मिली थी। तो ये इस तरीके से वो कहानियाँ होती और मैं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लिखता रहा। जैसा हमें भी पता ही है, हम भी चाहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से आपको अपना रुचि बना रहे हैं धीरे धीरे, और अभी इस उस पर पहुंच चुके हैं कि आप साझा भी कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। तो मैं सिर्फ आपसे अंतिम पड़ाव में ये पूछना चाहूँगी कि इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे शुरुआत हुई, वो किरण कौन सी थी जिसने आपको लिखने पर मजबूर किया कि नहीं आपको मुझे अपनी बात लिख ही देनी चाहिए, क्योंकि लिखना इतना आसान नहीं होता, अपने विचारों को गठित करना इतना आसान नहीं होता, तो वो प्रेरणा कौन सी है? देखिए, सीढ़ियाँ चढ़ने में सबसे ज़्यादा जो जोर आता है वो पहली सीढ़ी चढ़ने में आता है, वो सबसे भारी सीढ़ी लगती है वही सीढ़ी। और मैं, मेरे लिए कलम उठाना और लिखना इतना सारा, आज 10-10 पेज की रिपोर्ट से जो है वो मैं बना लेता हूँ, तो मैं, वो मुझे बड़ा जोर आता था लिखते हुए। तो हुआ ये था कि हमारे एक साथी DI से जो मुस्तफा जी हैं वो थे और असमत जी थे, हम तीनों ने मिलकर के जब कक्षा कक्ष में काम किया तो मुस्तफा जी लेखन में बहुत ही अच्छे और उनके लेख लगातार इस तरीके से प्रकाशित होते रहते थे, तो उन्होंने शुरुआत में हमारी मदद की और फिर उन्होंने एक दिशा दी। तो मैंने उनकी मदद से ये चीज़ सीखा और उसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को परिमार्जित करना शुरू किया और आज धीरे कोशिश कर रहा हूँ कक्षा कक्षीय शिक्षणों के साथ साथ मैं कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट विषय पर भी लिख पाता हूँ। मैं विभिन्न अपने जो काम है उनको कई सारी वेबिनार्स सेमिनार्स में जो है वो भी साझा कर चुका हूँ और कई सारे ऐसे मंच हैं जिन पर मैं अपने काम को इस तरीके से साझा करता हूँ। थैंक यू कुलदीप जी, और मैं आशा करती हूँ कि आप अंतिम पड़ाव में हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि दस्तावेजीकरण के ऐसे कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिससे जो हमारे लिए भी उतने ही कारगर हो सकते हैं जो आपके लिए हुए हैं, और उस तरफ अगर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो हमें मदद मिलेगी। दस्तावेजीकरण से, जैसे अभी मेरी चर्चा से आपने सुना ही होगा कि मैं, मेरे लिए जो दस्तावेजीकरण है उसने किस तरीके से मदद की, तो एज ए टीचर उसने मेरी मदद की, मुझे रिफ्लेक्ट करने में, मेरी जो कक्षा शिक्षण जो मैंने किया था उसको पुनः पुनरावलोकन में मेरी मदद की, साथ ही साथ बच्चों को भी इससे मदद मिली क्योंकि बच्चों को भी अपने काम को देखने का, एक लिखित रूप में देखने का मौका मिला था। साथ ही साथ ये अन्य लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि ये विद इन द फाउंडेशन भी मैंने कई सारी ऐसी वर्कशॉप्स हैं, मीटिंग्स हैं जिनमें अपने काम को, इस कक्षा कक्षीय प्रक्रिया को, या BTF जो हमारी स्वैच्छिक शिक्षक मंच की जो हमारी बैठक है उसमें अपने काम को साझा किया। तो मेरे बच्चों के साथ साथ
इस काम को अन्य शिक्षकों तक भी पहुंचाया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे मंच हैं जिनमें मैंने इस तरीके के मौके जो थे, तो अन्य लोगों के लिए भी ये इस तरीके से मददगार साबित हो सकती है। तो अपने लिए, बच्चों के लिए, अपनी शिक्षण प्रक्रिया के लिए और साथ ही साथ अन्य शिक्षकों के लिए एक मददगार के रूप में जो है वो आपके दस्तावेजीकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मददगार बनेंगे। तो क्या हम अब थोड़े प्रश्न ले सकते हैं? हाँ। समय को देखते हुए जितना समय हमारे पास है, देखते हैं, चाहे तो हम एक एक करके ले सकते हैं और या फिर बाहर से फोन ले सकते हैं इसका। दर्शकों का अभिवादन। तो चैट बॉक्स में देख सकते हैं हमारे पास सवालों के दौर में एक बार देखें। कॉन्ग्रेचुलेशन ज्यादा हैं, बधाइयां हैं। मैं भी वही खोज रही हूँ कि तो अच्छा लग रहा है सभी जुड़े, हमारे कुछ स्टूडेंट भी जुड़े, हमारे पूर्व साथी भी जुड़े जो हमारे साथ काम करते थे और जिनकी मैंने काफ़ी सारी आपके साथ चर्चा की, वो लोग भी इस पूरे हमारी चर्चा में जो है जुड़े हुए हैं। कोई देखिए, क्योंकि जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं उन्होंने भी कमेंट किए हैं, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, देखते हैं या आप भी ढूंढिए कोई सवाल अगर हमें हो तो। मुझे लगता है आपने अपने अनुभव को इतनी अच्छे तरीके से पिरोया है कि उनको वहाँ तक आवाज़ पहुँच गई है। जी, देखते हैं। बिल्कुल, असमत जी ने जैसे कहा है कि कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम के डॉक्यूमेंटेशन पर भी अपना अनुभव साझा करें, तो ये शायद पहले का है, हम कर चुके हैं। असमत जी, सुभाष जी लिखते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन अबाउट डॉक्यूमेंटेशन बेनिफिट्स। थैंक यू सुभाष जी। तो मुस्तफा जी आपको बधाई दे रहे हैं कि आप उनके उनकी बताए रास्ते। थैंक यू मुस्तफा भाई, अपना नजरिया शेयर कर रहे हैं। योगेश जी लिख रहे हैं कि रीड सोशल साइंस ऑल एयर फाइल स्टडी, मैं समझने में दिक्कत हो रहा है। तो कोई अगर कोई किसी के सवाल हैं तो हम उन सवालों को स्पेशली ले सकते हैं। देखिए जी, हाँ, अनुराग जी ने जैसा कहा कि इतिहास के स्रोतों के समझ के विषय में कुछ अनुभव साझा करें सर। तो अनुराग भाई, हमने जो इतिहास नोइंग हिस्ट्री को लेकर के जो काम किया था वो उसी के अंदर ही समाहित था, और ये अच्छा हुआ आपने उस चीज़ पे फोकस किया। और इसके लिए हमने काम करने के लिए ये था कि जब बच्चों ने अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए कोशिश की, तो इतिहास बिना किसी साक्ष्य के तो इतिहास माना नहीं जा सकता, फिर तो वो किंवदंतियाँ कहानियाँ रह जाएगा। तो उन बच्चों ने अपने इतिहास के लिए जो भी जरूरी दस्तावेज थे, यानी उन्होंने अपनी पुरानी फ़ोटो, अपने मम्मी पापा का जो था वो इंटरव्यू लिया, साथ ही साथ उन्होंने गांव, जब परिवार के इतिहास की बात आई तो उन्होंने परिवार के इतिहास को खंगालने के लिए या अपनी कुछ फोटोग्राफ्स ली या इंटरव्यू अपने पेरेंट्स का लिया, साथ ही साथ गांव के इतिहास को जानने के लिए उन्होंने बहुत लोगों से बातचीत की,
जिनमें बुजुर्ग लोगों के साथ कि गांव, ये गांव कब बसा होगा, इस गांव में जो तालाब है, जो मंदिर है, मंदिर के लिए उन्होंने उस मंदिर में जाकर के जो शिलापट्ट था उस शिलापट्ट को पढ़ने की कोशिश की, और एक बच्चा जो था वो उसकी फ़ोटो लेकर के आया कि सर हमारी भाषा ज़रूर समझ में नहीं आई, तो जो वास्तव में मेरे भी समझ से परे थी, लेकिन क्योंकि उनके बीच में ये धारणा थी, गांव में कुछ लोग ये कहते थे कि ये भूतों ने बनाया है मंदिर एक रात में, तो जब भूतों ने बनाया था तो वो इस तरीके की शिलापट्ट पे लिख कर भी थोड़ी जाएंगे, तो ये चीज़ उनकी निकली। गांव का तालाब कैसे डेवलप हुआ था, ये गांव कैसे डेवलप हुआ था, उस पूरी प्रोसेस को वो लेकर के आए। इसके बाद में हमने इसको लेकर के आगे टोंक में स्थित अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है बच्चों के साथ में भ्रमण किया, और ये हमारी हर साल की प्रक्रिया में ये चीज़ें शामिल होती है, और इसमें नए नए हम जो चीज़ें हैं वो ऐड करते हुए चले जाते हैं, तो बच्चों ने उस चीज़ के द्वारा जाना कि टोंक का इतिहास किस तरीके से होता है। सर क्या आपको लगता है कि आप एक अच्छा सूरज हमारे स्कूल के पूर्व छात्र रहे हैं सूरज वर्मा, और लिख रहे हैं कि सर क्या आपको लगता है कि आप एक बेस्ट टीचर हैं? तो बिल्कुल नहीं, और ये लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलतफहमी है। हमें लगातार, जैसा मैंने बताया कि लगातार नए प्रयास, क्योंकि कहीं भी संतुष्टि नहीं दिखनी चाहिए, ये लगना चाहिए कि हमें कुछ और करना है, तो फिर आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी। असमत जी लिखते हैं फिर से, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं के दस्तावेजीकरण को ध्यान में रखने के बाद जी हमने साझा की, और देखते हैं संगीता स्वामी जी लिखती हैं सर कि इतिहास पढ़ाने से पहले विद्यार्थी के स्वयं के इतिहास से जोड़कर पढ़ाना सही तरीका, धन्यवाद संगीता मैडम। देवेंद्र जी लिखते हैं कि अभिभावकों को कैसे शामिल किया, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? तो देवेंद्र जी, हमने जो भी गतिविधि करते थे, और मैंने उदाहरण दिए जिस तरीके से आपको सांप्रदायिकता को लेकर के, यातायात सुरक्षा को लेकर के, और जो था बाल अधिकारों या वुमेन्स राइट्स को लेकर के जो हमने काम किया, ये तो है ही, साथ ही साथ जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं, ये ललिता जी आपको याद होगा कि हमने एक बार तो गांव में ही टेलीस्कोप ले जा करके चंद्र दर्शन का प्रोग्राम रखा था रात के समय, और हम अपने घरों पर 10 बजे आकर के लौटे थे। तो ऐसे ही एक बार जब चंद्र ग्रहण का जब घटना घटी थी, तो हमने रात को बच्चों के लिए व्यवस्था की कि वो स्कूल तक आएँ, और उनके पेरेंट्स भी आएँ, और लगभग 150 लोगों ने जो है उस पूरे चंद्र ग्रहण के बारे में उसको लाइव देखा, सिर्फ लाइव देखा बल्कि उसके पीछे की जो विभिन्न धारणाएं थी कि ग्रहण के दौरान जो हमारे यहाँ पर जो आसपास हमारी कम्युनिटी में जो जिस तरीके की गलत धारणाएं प्रचलित हैं उनको दूर करने की कोशिश की उनसे चर्चा के द्वारा, और उनके जो उनके पीछे की सच्चाई है उसको उनके समक्ष रखने की कोशिश की। तो ऐसे ही अभी रिसेंटली हमने कम्युनिटी को जागरूकता के लिए हमारी जो थिएटर टीम है उसकी मदद से हमने कम्युनिटी में गए, और हमने कम्युनिटी में जाकर के और लोगों के बीच में जो है कोरोना अवेयरनेस को लेकर एक अच्छा मैसेज दिया। तो ऐसे प्रयास हमारे विद्यालय स्तर पर लगातार जारी रहते हैं। तो इस वक्त मुझे याद आ रहा है कुलदीप जी, वो वाला अनुभव, उसमें ना केवल अभिभावक, समुदाय के जो व्यवसाय हैं उनको भी आपने कैसे अपने कक्षा शिक्षण से जोड़ा, वो मधुमक्खी पालन, उसके बारे में। हाँ, तो एक छोटी सी घटना है, उसके बाद क्योंकि समय भी लगभग पूर्ण हो चुका है, तो ये वाली घटना इस तरीके से थी कि जब हमारी विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में मधुमक्खी पालन होता है, तो वो जो मधुमक्खी पालन था उस दौरान हमने बच्चों को उसका एक पूरा का पूरा वीडियो तैयार किया कि किस तरीके से मधुमक्खी पालन जो है वो पूरा पूरा व्यवसाय जो किया जाता है, साथ ही साथ उनमें रानी मधुमक्खी कौन सी होती है और उनसे शहद जो है किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, इसी समय को क्यों चुना जाता है, और ये दो महीने के करीब, 3 महीने के करीब यहाँ रहते हैं, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, तो इन चीज़ों को उसमें जोड़ने की कोशिश की। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा और समेकित करते हुए बात मुख्य रूप से रखना चाहूँगा, और वो बात ये है कि मैंने जितने भी आपको उदाहरण बताए उसमें किसी भी प्रकार की कोई लागत नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है, वो सभी के सभी ऐसे हैं जिनको आपने अपने उपलब्ध संसाधनों से अपनी कक्षा कक्ष से जोड़ा है, और वो काफ़ी हद तक प्रभावी भी रहा है। तो हमें एक शिक्षक के रूप में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास के जितने भी हमें जो रिसोर्सेज मिलते हैं हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में करें। तो थैंक यू कुलदीप जी, जन सरकार मंच की फेसबुक लाइव श्रृंखला में तहे दिल से हम आपका अभिनंदन करते हैं, साथ ही हमारी ऑडियंस का भी।
जिन्होंने इतनी देर तक हमें सुना और अपने अपने जो भी कॉन्ग्रेचुलेशन बताइयाँ और जो भी विचार थे वो रखे अपने चैट बॉक्स के अंदर। थैंक यू। इसी प्रकार आप काम करते रहिए और अपने अनुभवों को दस्तावेज कराने द्वारा हमारे साथ साझा करते रहिए। थैंक यू टू ऑल।